वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन तथा EWS आरक्षण का सरलीकरण करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का आज अजमेर के लोहागल में राजपूत समाज की एक दर्जन से अधिक संस्थाओं ने स्वागत अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह में राजपूत समाज की संस्थाओं के आह्वान पर हजारों की संख्या में राजवंश पहुँचे। समारोह की खास बात यह रही कि समारोह में हजारों की संख्या में राजपूत समाज की महिलाएं भी पहुंची। अभिनंदन समारोह में RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का अभिनंदन करते हुए राजपूत समाज की महिला एवं पुरुषों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया। उन्होंने हाथ उठाकर धर्मेंद्र राठौड़ का समर्थन करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। देखिए, निश्चित तौर पे आज अजमेर के लिए एक बहुत स्वर्णिम दिन है कि सभी राजपूत संगठन एकजुट हैं, एक जाजम पर हैं। और क्यों हैं? क्योंकि हमारी समाज की जो भावना थी, जो मांग थी कि हमारे समाज का भी एक बोर्ड बने, तो आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब के प्रयास से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज के लिए बोर्ड का गठन किया। हमारे लड़के नौकरी लग रहे थे, उनके लिए EWS में सरलीकरण करके हमारे युवाओं के लिए नौकरी का मार्ग खोल दिया है उन्होंने। तो ये दो बड़ी मांगे थी समाज की, जिसमें आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए पूरा अजमेर का राजपूत उनको धन्यवाद देने के लिए लड़ाई है। और आपने देखा होगा, इतनी गर्मी में, बारिश में, वो लोग इतनी बड़ी तादाद में मातृशक्ति भी हमें आशीर्वाद देने पधारी है। तो निश्चित तौर पे ये एक शुभ संकेत है अजमेर के लिए भी, अजमेर की राजनीति के लिए भी और क्षत्रिय राजनीति के लिए भी, कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो हमारी मांग ना सिर्फ मुख्यमंत्री तक पहुंचाता है, वरन उस मांग को मनवा के भी लाता है। तो आज लिए उस नेतृत्व का हमने सम्मान करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बहादुर सिंह संरक्षक राजवंश समाज, महेंद्र सिंह कडेल अध्यक्ष जयमल फोर्ट विवाह समिति, कर्नल रघुवीर सिंह अध्यक्ष जयमल कोट पुष्कर, अजय सिंह अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रतिभा शोध संस्थान राजपूत समाज, सुमेर सिंह अध्यक्ष राजपूत छात्रावास, रणजीत सिंह नोसल अध्यक्ष राजपूत विकास परिषद, बहादुर सिंह पिपरोली अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा, नरेंद्र सिंह बावड़ा अध्यक्ष प्रताप नगर विकास समिति, भगवान सिंह मजेवला अध्यक्ष राजस्थान क्षेत्रीय महासभा, नरेंद्र सिंह जालमपुरा अध्यक्ष बार एसोसिएशन अजमेर, रणजीत सिंह राठौड़ महासचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित राजपूत समाज की अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष व पदाधिकारी समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के सभी पदाधिकारी एक जाजम पर नजर आए। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी का सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए, वो केवल अजमेर में नहीं पूरे राजस्थान में इस बात की गूंज है कि धर्मेंद्र सिंह जी की कार्यशैली क्या है, कितने सक्षम कार्यशैली है उनकी। कल हम रात को जोधपुर से सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जाति धर्म के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। उनका एक ही कहना था कि साहब, हमने बहुत सारे लोग देखे, लेकिन आपकी जो कार्य प्रणाली है, आपकी जो कार्यशैली है, वो बहुत कम नेताओं में देखने को मिली। हम सबके सेनापति आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी साहब हैं, आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है। मैं भी लगभग पिछले 30 साल से, मेरे परिवार के कारण, एक राजनीतिक परिवार से आता हूं, इसलिए दोनों दलों की राजनीति देख रहा हूं। तीसरे मुख्यमंत्री का कार्यकाल मेरे जीवन काल में देख रहा हूं। देखा यह गया है कि जब तक आपका सेनापति मजबूत न हो, सेना में जोश नहीं आता। और हमारे पास एक ऐसे मजबूत सेनापति हैं जिनकी कार्यशैली पूरा राजस्थान देख रहा है। और इन मजबूत सेनापति के भी जो सेनापति हैं, वो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, जो कि पूरी मजबूती से धर्मेंद्र सिंह जी के साथ खड़े रहते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैंने आते ही जय शनिशक्ति कहा, क्योंकि मैं श्री क्षत्रिय संघ का स्वयंसेवक हूं और इस नाते पूरे राजस्थान में जाना होता है, हर जिले में मैट्री करते हैं। इस कार्यकाल में और इससे पिछले कार्यकाल में भी, अगर कांग्रेस के राज में अचानक किसी राजपूत को कोई काम पड़ता है, तो सबसे पहले केवल एक ही नाम याद आता है। आप बताइए किसका नाम आता है? धर्मेंद्र सिंह। हजारों लोगों को राहत प्रदान, ये वो राहत होती है जो जीवन मरण का प्रश्न बन जाती है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज नगर आज भी उस संघर्ष को झेल रहा है जयपुर में, लेकिन ब्रिजेश को उस संघर्ष से मुक्ति आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिलवाई। एक आजादी के बाद अब तक जितने राष्ट्रपति बने हैं, उसमें
एकमात्र राजपूत राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभा पाटिल साहब, उसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया और उस कांग्रेस पार्टी के बनाने में जिन दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था वो आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, जिन्होंने इस बात को वहां रखा कि भैरव सिंह के जैसे कद्दावर राजपूत नेता के सामने, क्योंकि पूरे भारत में सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो राजपूत है, और उस वक्त जितने राजपूत विधायक जिनके वोट लगते हैं उनमें ये भावना थी कि हम इस बार राजपूत को वोट देंगे चाहे वो किसी भी दल का। तो ये बात अशोक गहलोत साहब ने कही कि राजपूत के सामने हम प्रतिभा पाटिल साहब हमारे पास में चचक दे रहा है, और जब ये घोषणा हो गई तो उसके बाद में प्रतिभा पाटिल जी ने आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी को स्पेशली दिल्ली रखा महीनों तक कि आपको पूरे देश में जितने राजपूत विधायक हैं उनसे संपर्क मेरे बिहार पे आपको करना है, और उस पूरे कैंपेन को आपने सक्सेसफुली चलाया और आदरणीय प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति। कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के सभी संस्थाओं के पदाधिकारी एकजुट धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में दिखे। लेकिन ये बात सही है कि मैं ये काम कर कब पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ, ये ताकत ये ऊर्जा ये शक्ति कहां से आ जाए। मैं तो आपसे अभी तो चुनाव लड़ा नहीं, चुनाव थोड़ी लड़ा नहीं, मैंने अभी तक आपसे वोट लिए भी नहीं। बिना चुनाव लड़े बिना वोट मांगे फिर भी अगर थोड़ी बहुत मदद हुई है तो वो इसलिए हुई है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का मेरे पे आशीर्वाद है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैंने बहुत विश्वास के साथ मतलब जिस पुल में मैं जन्मा जिस गांव में मैं जन्मा मेरी राजस्थान में जो पहचान हुई वो एक बात से हुई, चाहे मैं एमएलए नहीं बना चाहे मैं सांसद नहीं बना और चाहे मैं पूरा जीवन नहीं बनू, लेकिन मेरी पहचान जो बनी वो एकमात्र एक चीज से बनी कि मेरी माँ ने या मेरे गांव ने मेरी जन्मभूमि ने जो मुझे सिखाया कि बेटा विश्वास पात्र बनना विश्वास घाती नहीं बनना। और ये खुशबू पूरे राजस्थान में फैली, धर्मेंद्र राठौड़ एक नाम है राजस्थान में, ये बताते हुए मुझे खुशी है। धर्मेंद्र राठौड़ कौन? धर्मेंद्र राठौड़ विश्वास पात्र। कोई चैनल कोई अखबार कोई दोस्त अभी इस मंच से भी कह रहे थे कोई हनुमान कहता है कोई विश्वास पात्र कहता है कोई दुर्गादास जी का नाम से दुर्गादास जी का फॉलोअर बताता है, कहां हनुमान कहां मैं कहां दुर्गादास जी कहां मैं। लेकिन अगर मुझे और क्या चाहिए ईश्वर से, क्या चाहिए मुझे, इससे बड़ा सम्मान मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता कि मुझे हनुमान के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, मेरा नाम दुर्गादास जी के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, इससे बड़ा मुझे सम्मान और क्या मिलेगा। आप सबका सभ्य से स्वागत करते हैं, विशेष तौर से राजवंश के श्री धर्मेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, उनका आभार, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हम सबको यहाँ खड़ा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।